यह है हमारी मूंगफली की फसल। तो सबसे पहले मैं आप सभी का सरदार फील्ड पाउडर फार्मिंग चैनल में स्वागत करता हूँ, और हमेशा की तरह यही कहूँगा, अपने काम में व्यस्त रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, कुछ ना कुछ करते रहो। तो आज हम चर्चा करने वाले चंदन के बीज से पौधा कितने दिन में तैयार होता है। तो ये खेती के छोर पर आप जो पेड़ देख रहे हैं, ये सब चंदन के पेड़ है, सफ़ेद चंदन के। तो ये देखो इतना बड़ा हो चुका है, सफ़ेद चंदन का पेड़। तो ये है 6 साल का, इस पर वीडियो भी बना चुका हूँ मैं पहले, आप चैनल पर जाकर देख सकते हो। तो ये जो ब्रांचेस है यहाँ पर इतनी सारी, तो इसकी छटाई की है मैंने। इतनी सारी ब्रांचेस पहले से ही नहीं रखनी है, चैनल पर छटाई कैसे करनी, इसके इससे जुड़े भी बहुत सारे वीडियो है, जाकर आप देख सकते हो। अगर आप चंदन की खेती करना चाहते हो तो अपनी खेती के छोर पर कीजिए, मैंने बहुत बार कहा है, क्योंकि ज़्यादा रिस्क नहीं है। और चंदन के नज़दीक होस्ट होना ज़रूरी होता है, होस्ट मतलब एक दूसरा पेड़ नज़दीक लगाना पड़ता है, क्योंकि चंदन अकेला नहीं पड़ता है। तो इसके लिए मैंने ये सीताफल लगाया है, ये छोटे हैं लेकिन ये इस साल लगाए थे मैंने, 1 साल हो चुका है, तो ये भी काफ़ी अच्छे बढ़ रहे हैं। और ये चंदन के पेड़ 5 साल, कोई 4 साल के, कोई 3 साल के, तो हर साल मैं लगाते रहता हूँ। और ये खेती के छोर पर मुझे अभी पता चला है कि बहुत अच्छी तरह से बढ़ते हैं, और एक बार अगर बढ़ जाए तो फिर इस पर कोई बीमारी नहीं आती, कुछ नहीं होता है चंदन के पेड़ पर ज़्यादातर। तो कुछ दिन पहले मैंने, कुछ लोगों ने मुझे एड्रेस कमेंट किया था, तो उनको मैंने चंदन के बीज भेज दिए थे। अब उनको बीज भेज अभी तक उनको 3 महीने हो चुके होंगे शायद, बीज भेजे थे मैंने। अगर बीज से पौधा तैयार करना है तो मैंने बोला था आपको 90 से 120 दिन लगते हैं। तो यहाँ पर आज हम देखेंगे। तो ये है चंदन का, जो इसको बीज अभी भी है और कुछ बीज इसके नीचे गिरे हैं। तो इस पेड़ को सबसे ज़्यादा बीज आए थे, तो इसके नीचे गिरने के बाद क्या हुआ है देखो, बहुत सारे पौधे तैयार हो चुके हैं। तो ये जो सब आपको पौधे दिख रहे हैं, ये सब चंदन के छोटे छोटे पौधे हैं, जो इस पेड़ के नीचे अपने आप यहाँ पर बीज गिरने से निकल आए हैं। तो ऐसे बहुत सारे हैं, आप देख सकते हो, 100 से भी ज़्यादा यहाँ पर छोटे छोटे पौधे हैं। अब इनको कुछ दिन के बाद इस पौधे को मैं दूसरी जगह पर शिफ्ट करूँगा, और इन्हें भी खेती के छोर पर मैं लगाऊँगा। तो क्या हुआ था, तो ये मूँगफली की फसल है, 2 महीने हुए इसको। तो ये जो बीज है, मुझे मालूम था यहाँ पर बहुत सारे बीज गिरे हैं, तो मैं देख रहा था कितने दिन के बाद ये जर्मिनेट होते हैं, अंकुरते हैं। तो इसको लगभग 2 महीने लगे। तो बीज गिरने के बाद यहाँ पर तो कोई गीला नहीं था, तो जब हमने मूँगफली की बुआई की तब इसको पानी दिया था। तो पानी देने के बाद अब लगभग 2 महीने हो चुके, तो फिलहाल हम यही कह सकते हैं कि चंदन के बीज से पौधा तैयार होने में 2 महीने से ज़्यादा का समय लगता है। तो यहाँ पर ऐसे पौधे तैयार हो चुके, ये भी देखो छोटा सा चंदन का ही पौधा है, ये भी चंदन का ही है। तो हम कह सकते हैं कि बीज से अगर पौधा तैयार करना है तो हमें 2 महीने तक रुकना पड़ता है, तब जाके हमें उसका रिज़ल्ट मिल सकता है। तो अगर आपको चंदन के जिनको भी बीज मिल गए थे आपके, अगर आपने उसको 2 महीने तक वेट किया होगा और प्रॉपर तरीके से उसको पानी दिया होगा, ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए, कम भी नहीं होना चाहिए, तो आपके यहाँ पर पौधे तैयार हो चुके होंगे। अगर जिनको बीज मिला है उनको, उनके अगर पौधे तैयार हो चुके तो कमेंट कीजिए कि हो गए हैं। और अभी तो फ़िलहाल मेरे पास बीज नहीं है, लेकिन अगर बाद में मुझे जैसे ही बीज मिलेंगे तो मैं, जिनको भी बीज चाहिए आप अपना एड्रेस कमेंट कीजिए, मैं आपको दोबारा भेज दूंगा। तो बस यही कहना चाहता हूँ कि चंदन की खेती कीजिए, हमेशा अपने काम में व्यस्त रहे, मस्त रहे, स्वस्थ रहे, कुछ ना कुछ करते रहे। तो बस यही रुकते हैं।